बाड़मेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बाड़मेर जिला अनाज व्यापार संघ के सदस्यों ने सर्वसहमति से शुक्रवार से एक सप्ताह तक मंडी में अनाज का लेन देन बंद करने का निर्णय लिया है। संघ के पदाधिकारियों की माने तो जिले में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड तोड़कर आंकड़ों के बाद ये निर्णय लिया गया है। बंद के तहत सप्ताह भर तक किसी भी तरह के अनाज का व्यापार नहीं किया जाएगा। वहीं किसानों को भी सप्ताह भर तक मंडी में अनाज नहीं लाने की अपील की गई है। बाड़मेर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से जिले के चिकित्सा संस्थानों के हालात नासाज बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाड़मेर जिले के अनाज व्यापार संघ ने अपनी स्वेच्छा से 14 मई से आगामी 20 मई तक अनाज व्यापार बंद रखने का ऐलान किया है। अनाज व्यापार संघ के उपाध्यक्ष गौतम संखलेचा चमन ने बताया कि बाड़मेर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के साथ जानलेवा होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों ने जिले के अनाज व्यापार संघ ने मोबाइल फोन ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक का आयोजन कर हफ्ते भर तक अनाज का व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है, ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। अनाज व्यापार संघ के उपाध्यक्ष गौतम संखलेचा ने अपील करते हुए बताया कि 14 मई से 20 मई तक अनाज की खरीद फरोख्त मंडी में पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ऐसे में किसान एवं अनाज विक्रयकर्ता भी कृषि उपज मंडी में ना पहुंचे। कृषि मंडी में तीन संस्थाएं अलग अलग है। हमारी यूनियन बाड़मेर जिला अनाज व्यापार संघ ने तो कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए 7 दिन बंद का आह्वान किया है, ताकि ये कोरोना महामारी से किसी व्यापारी इस बीमारी से पीड़ित न हो और उसकी जान जोखिम में न हो। और दूसरी मंडलों ने दूसरे मंडी व्यापार परिषद संस्थान है, उन्होंने 13 तारीख से 16 तारीख तक बंद की है। उनकी भी यही भावना है कि चैन संक्रमण की चैन टूटे। और मंडी व्यापार संघ है जो खाद्यान्न की सप्लाई की दुकान है उसमें आती है, उन्होंने 2 दिन बाद 15 तारीख से 20 तारीख बंद करने का निर्णय किया। ये स्वैच्छिक निर्णय हमने मिल के किया है, ताकि कोई व्यापारी से हमारे 2 बड़े व्यापारी राकेश दलाल एक मदन सिंघवी, ये दोनों ही कोरोना पीड़ित होकर चले गए, वो कम उम्र के थे, इसलिए हमको भी एक आत्मग्लानी हुई कि कम से कम हम पैसों के लिए इतना कर रहे हैं तो अपने चैन तोड़ने के लिए अपने व्यापार बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए हमने निर्णय लिया व्यापार बंद करें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बिगड़े जिले के चिकित्सा संस्थानों के हालातों और एक अनाज व्यापारी के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद बाड़मेर जिला अनाज व्यापार से संघ ने हफ्ते भर से अनाज का व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब 21 मई को ही अनाज व्यापार फिर से सुचारू हो पाएगा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष हंसराज कोटड़िया, सचिव पवन सिंघवी, दिनेश भूतड़ा, कैलाश भूतड़ा ने अनाज व्यापार संघ के समस्त व्यापारियों से सहयोग की अपील की है।